हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो दिस इज़ द वीडियो जो बहुत टाइम बाद आ रही है, मेरी मेकअप वीडियो, एंड दिस इज़ द बंगाली लुक। सो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है बंगाली लुक एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। फर्स्ट हेयर आई एम स्टार्टिंग माई मेकअप विद दिस टोनर विच इज़ फ्रॉम प्लम ब्रांड टू लुक माई स्किन हाइड्रेट एंड रिफ्रेश। फॉर मॉइस्चराइजर मैंने यहाँ पर लिया है एम कैफिन का नेकेड एंड रॉक कैपुचिनो कॉफी मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट इज द टर्न फॉर प्राइमर। सो हेयर आई एम यूजिंग NY बेकअप प्राइमर विच इज NY बे ब्लर इन प्राइमर, जो आपके ओपन पोर्स को ब्लर कर देता है। इट मीन्स आपकी स्किन को एक स्मूथ बेस के लिए रेडी रखता है। जब आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो वो इजीली आपकी स्किन पे स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट हेयर आई एम यूजिंग दिस कलर एसेंस की आईब्रो पेंसिल, यू कैन से, विच कम्स विद अ स्पूली ब्रश। नेक्स्ट यहाँ मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। सो फॉर दैट हेयर आई एम यूजिंग द कंसीलर टू प्रेप माय आईज फॉर द आई लुक। तो यहाँ पर मैंने मेबलिन का कंसीलर यूज़ किया है। आई मेकअप मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ विद दिस ब्राउन शेड एंड मेरा आई मेकअप जो होगा वो बिल्कुल सटल और सिंपल होगा। तो सबसे पहले मैंने अपनी आईलिड पर कम्प्लीटली इसे कवर करते हुए अपनी ब्राउन शेड को लगाया है। यू नीड टू ब्लेंड योर ट्रांजिशन शेड, वट एवर द शेड यू आर यूजिंग ऑन योर आईज, जस्ट यू हैव टू ब्लेंड इट सो दैट वो ईजिली आपके आईज पे एक अच्छा सा कलर दे। नेक्स्ट हेयर आई एम जस्ट यूजिंग द ग्लिटर शेड, जो शिमरी शेड था मेरे पैलेट में, मैंने उसको यूज़ किया है जस्ट विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर। मैंने उसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक आईलाइनर जो कि पेन आईलाइनर है। आई थिंक दिस आईलाइनर इज़ क्वाइट ईजी टू अप्लाई, क्योंकि हम जैसे पेन को होल्ड करते हैं जस्ट लाइक हमें उसी तरह से इसको होल्ड करके अपना जो लाइनर है उसे ड्रॉ करना होता है, तो बहुत ईजीली इससे ड्रॉ हो जाता है। नेक्स्ट हेयर आई एम अप्लाइंग द फॉल्स आईलैशेस, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अपने आईलैशेस को कर्ल कर लिया है। इसको अप्लाई करने से पहले, ये मेरी एक ट्रिक है कि मैं उससे पहले अपने लाइनर को लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर आईलैशेस थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है तो वो ब्लैक जो एरिया होता है वो उसको कवर कर लेता है, क्योंकि नीचे आईलाइनर लगा होता है तो वो दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट हेयर आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन। After blending my foundation, I need to contour my face. So contour stick यहाँ पर मैंने use करी है स्टेक कोएके की। कंटूर स्टिक अप्लाई करने के बाद ही मैंने साथ साथ अपना कंसीलर भी अप्लाई किया जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायर था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट योर फाउंडेशन, तो यहाँ पर मैंने अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए लूज पाउडर का यूज़ किया है। इफ़ यू डू नॉट हैव, आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ना यहाँ पर फाउंडेशन सेट होता है तब तक अपना आई मेकअप को कम्प्लीट करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कोल यूज़ किया है। इफ़ यू हैव एवर सीन बंगाली लुक, तो वहाँ पर कोल वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने आईज़ को बिग दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ब्राउन शेड को लेके उसे स्मच किया है डीट लुक देने के लिए, क्योंकि मैंने ऊपर ब्राउन शेड यूज़ किया था, तो इसलिए मैंने अपने लोअर लैश लाइन पर भी ब्राउन शेड का यूज़ किया है। हाउ कैन आई मेकअप कम्प्लीट विदाउट अ ब्लश, तो यहाँ मैंने ब्लश के लिए यूज़ किया है NY बे का ब्लश। ये ब्लश बहुत लाइट है शेड में, एंड जो भी इसका शेड होगा आई विल श्योरली मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप अगर आप चेकआउट करना चाहें तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद साथ ही साथ मैंने हाइलाइटर को भी अप्लाई कर लिया था।
मोस्ट लुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक लिपस्टिक बची है. तो लिपस्टिक के लिए हेयर आई एम यूजिंग फेसेस कनाडा की दिस लिपस्टिक. दिस इज इन द रेड शेड विच विल कम्प्लीटली गो विद ड्रेस एंड विद द लुक. पर मैंने अपनी ज्वेलरीज को, अपने हेयर स्टाइल को और अपनी साड़ी को इसी तरीके से कैरी किया है जैसे एक बंगाली वुमेन कैरी करती है. गाइज, हियर वी गो विद द फाइनल लुक. इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फैमिली. एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. We'll meet you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy, and take care, guys. Bye-bye.